और बड़गाम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मोमेंटस ओकेजन है। वो मोमेंटस ओकेजन इसलिए है कि जो सालों की डिमांड प्रोजेक्टेड थी कि बड़गाम ज़िले में एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, आज फाइनली ग्राउंड पे जो काम है मोबिलाइजेशन का, सर्वे का, रिकॉन्सेंस का और टेस्ट पाइलिंग का, धरातल पे वो काम जो है वो शुरू हो चुका है। आपको याद होगा ऑनरेबल एलजी साहब ने पिछले साल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के ज़रिए ये ज़मीन को ईयरमार्क किया था, इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया था और लास्ट ईयर ही एलजी साहब ने आके यहाँ पे फाउंडेशन ले की थी। और इतने बड़े प्रोजेक्ट को बड़े ही कम टाइम में, ज़मीन का ट्रांसफ़र होना, प्रोजेक्ट का अप्रूवल होना, फाउंडेशन ले होना और आज फाइनली टेंडर को अलॉट करके विधिवत ग्राउंड पे काम शुरू होना, ये बड़गाम की हमारी सारे लोगों के लिए एक बहुत खुशी का विषय है। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हो, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो और सारे ही जितने लोग बड़गाम में रहने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छा ओकेजन है। और हम आशा करते हैं कि जो टाइमलाइन प्रोजेक्टेड होगी उससे भी कम समय में फॉलोअप के ज़रिए, मॉनिटरिंग के ज़रिए कोई टीदिंग इशू हो तो उसको रिजॉल्व करा के बहुत जल्द हमारा जो ये हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो तैयार होगा। मैं साथ ही ये भी बोलना चाहूँगा कि ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से जो विज़न था इस हॉस्पिटल को फटाफट करने का और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो भी हमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मॉनिटर करके इंश्योर कराया कि कोई इश्यूज उसमें ना आए। और फाइनली अब काम शुरू हो गया है, अब हम सबको ये इंश्योर कराना है, हमारी सारी टीम को, कि कोई भी अगर छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, चाहे वो डे टू डे हो या हल्के फुल्के टीदिंग इश्यूज हो, उनको हम रिजॉल्व कराएं और जल्द से जल्द बड़गाम को एक नया ज़िला हॉस्पिटल जो है स्टेट ऑफ द आर्ट, वो लोगों को हम डेडिकेट कर सकें। शुक्रिया।